ये वो आज शाह जी के साथ खाना सी वाइल मिल रहे हैं दूसरे को क्योंकि भाई अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू दी जाना मौजूद बसम। कैसे हम सब अभी कहता हूँ हरियत से होंगे। तो भैया जी बात कुछ ऐसी है कि आज है हमारी फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी समझते हो ना, बस वही पार्टी है आज। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी चला रहा हूँ बड़ी मुश्किल से। तो फेयरवेल पार्टी है आज हमारी। तो समझ गए ना भाई कि 4 साल जो थे ना हमारे वो ख़त्म हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। और आज उसकी पार्टी है, उसके बाद बस भाई पेपर है उसके बाद। तो जा रहे हैं, आखिरी डे है, बस दुआ करो अच्छा सा गुजर जाए। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी 6 बजे और अब बज रहे हैं 7। तो मैं जा रहा हूँ 7 बजे, मतलब 6 बजे का टाइम था तो 7 बजे शुरू होती है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। आपको पता है 1.5-2 घंटे लेट ही होता है। तो मुझे अब भी लग रहा है कि मैं जब वहाँ पे पहुँचूंगा तो अभी शुरू नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा जी। ये रही जी पार्किंग की सीन सारा, तो यहाँ पर और ये रहा जी ये अंदर हाल। यहाँ से शुरू हो जाता है और मैं चला गया था जी भाई, थोड़ा सा बिजी हो गया था। और आप शुरू करते हैं प्रॉपर व्लॉग। बटी जी क्या तासुरात हैं आपके? पिछली दफा आप होस्ट कर रहे थे, इस दफा आप मेहमाने खुशी हैं। फिर मैं यहीं से नहीं लूंगा, मैं आपका कंटेंट बनाऊंगा आपका। ये ऐसा ना हो गया आप सलवार का मुझे उतार के नाचना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा शट अप यार। मलिक जी बताएं आपके साथ ये घूमते हैं, इसको थोड़ा समझाया करें भाई। कोशिश करते हैं लेकिन असल में ना आज हमारे साथ एक बंदा बाइक पे रेस लगा रहा है, कह रहा है बाइक जुड़ेगा। कौन ये? यार बट्टी। अफसोस है बट्टी सीन है, अभी जोड़ के मुझे देखो। मेरे जमात इस्लामी वालों से ना गुजारिश है, कैसा गंदा मौसम आप फेरो आप सब वो देख रहा हूं आज आपकी आंख से जो लेजर निकल रहा है वो भी तौबा करो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारे मुसलमान भाइयों को दिखाओ, ऐसे मना होना चाहिए। तो आप घर चले जाओ ना, आपके भाई इधर करे ना भाईजान। ये बंदा है जिसका मैक्सिमम टाइम 8 सेकंड अभी फारग हो गया, आप अच्छी बातें करना शुरू कर, पहले इस तरह की बातें नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं किसी बंदे को कैसे पता हो सकता है उसका टाइम 8 सेकंड है? इसका मुंह लगा था ये। अब इसकी आदत होगी ना, अब ये मुझे बदनाम करता है। शह जनाब और फारग होने ना सुबह मौलवी पढ़ने जुड़ने तो गला सीरियस नहीं करनी है, ठीक है? ये बिल्कुल आजमाए हुए फारग है। आप क्या कहेंगे? आप ना मर्दों में औरतों में? ओए भाई वाह, क्या फर्स्ट टाइम आए हो? वाह फर्स्ट टाइम आए हो? ये स्टार्ट हो चुका है इवेंट, तो यहाँ पर अभी रश वगैरह पड़ रहा है, बस कुछ लगेंगे क्या समझ नहीं आ रहा। हसन खान हैज ग्रेजुएटली एग्रीड टू स्टार्ट आवर इवनिंग विद अ रेजिटेशन फ्रॉम द होली कुरान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। माय नेम इज ज़ैनब यासिर एंड माय नेम इज अबीर कियानी। और आपको हमारे मोनोलॉग से ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पर सीनियर्स को टाइटल्स देने आए हैं। सो विदाउट फर्दर एडू सबकी बेइज्जती करना, आई मीन सबको टाइटल्स देना स्टार्ट करते हैं। सुना है मुंशी का काम सबसे आसान होता है, खाना बैठना पैसे गिनना और घर चले जाना। Give a round of applause for our own PPA ke Munshi Waleed Kamran for Mr. Munshi. Chipil, I would like to call Alina Amir on stage. खुद को ही नॉमिनेट कर देना चाहिए यार। ऐसा क्यों, हम कब से बोल रहे हैं? अरे यार खत्म करो बात को, उससे पहले हमें स्टेज से कोई उतार दे। आई वुड लाइक टू कॉल मोहम्मद अहमद फॉर द टाइटल वॉकी टॉकी। Thank you.
हो दिस वन इज अ नो इट ऑल आई वुड लाइक टू कॉल रिजवाना खान फॉर ऑल यही इलेक्शन का हिसाब हुआ था यहाँ पे इलेक्शन आई वुड लाइक टू कॉल हसीब बट एंड सिफतुल्लाह फॉर द टाइटल ईद का चांद ये तो क्लास में होता था यार और कहते हम जनून साहब ये क्या हो रहा है ये आपका था जनून साहब ये आपका था ये नेपोटिज्म हो रही है जनून साहब ये आपका वार्ड था ये आपका था क्या ये तो आप सबने सुना ही होगा आज देख भी लेते हैं I would like to call अलीना शौकत for the title of पटाहा गुड्डी She's the complete opposite. She's a nightmare for an introvert and a dream for an extrovert. Her very own social butterfly is Sara Tajammal. यार हमारी तरफ क्यों ले आते हो कैमरा उधर रखो यार मुझे खुशी होती है यार खुशी होती है चौधरी ये 18 प्लस कंटेंट सुनना चाहता है और कोई मसला नहीं है तूने लगा दिया टू टू ये टाइटल है ठंडी लस्सी इतनी ठंडी कि मैं क्या ही बताऊं आई वुड लाइक टू कॉल मोहम्मद सान ऑन स्टेज फॉर ठंडी लस्सी ठीक है ये हमारे देसी बॉयज और शैल आई से हमारे अपने ब्राउन मुंडे विद द वॉक ऑफ अ गैंगस्टर बट हार्ट्स ऑफ गोल्ड आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन हसन सैफ जब्बार एंड मेहनत
ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਧਰ ਕਿਆ ਲੋੜਨਾ ਪਿਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਾਲ ਸਰ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਸਿਰ ਫॉर देयर ਟਾਈਟਲ women but every person out there I'd like to call ma'am Sara Kaim or Power in gareebon ko baat kiya hai hame class mein bardasht bhi kiya hai power of house madam mila pyaar di hai ha waise pata uska tha ma'am Hira Qasim melts heart of every student हाँ गेम शो में जबरदस्ती उठा के लेके जाया जा रहा है क्योंकि बंदे नहीं पूरी हो रही थी तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑडियंस से पेन ले लिया दो एंट्री दी यार दो मेरे भाई खेल रहे हैं यार मेरा भाई खेल रहा है पेन दो नहीं रख तू दे भैया पेन है पेन बदर को अभी तक कोई मिला पेन नहीं है बदर कैंसिल हो गया वो जो नहीं जा सकता चले मैम थ्री टू वन स्टार्ट ऐसे झुके नीचे
सर आगे आए के साथ खाना खाना नसीब हुआ, शाह जी के साथ खाना नसीब हुआ, मिर्जा ब्रदर हम वहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे वहाँ मारे माशाल्लाह जी सारे यहाँ पर बैठे हैं। नमक कम है, खाना कहेगी चिकन कच्चा है। खाना हो चुका है जी, खाना खाने के बाद अभी कवाली शुरू होने वाली है। बस राजा जी बैठे हैं जी, बस पैसे कब उड़ाने हैं जी? ऐसी ऐसे रुकती थे भाई जी, रोला है? नहीं कोई बात नहीं, अभी नहीं उड़ा लेगी 20 रुपए दे रहे हैं। कभी दर कांप जाता है।
सब ऑयल मिल रहे हैं जी दूसरे को, क्योंकि भाई दुख में आप क्यों रो रहे हैं, जबारा तो यही है ना। अभी अभी जो अगली कवारी है वो मिर्जा जी शुरू करने लगे हैं। शाह जी मैकलेरन कहाँ खड़ी की है? ओ नीचे उधर। ये माशाल्लाह जी आखिरी टाइम बैठे हैं सब भाई यहाँ पर। हमने कहा जी पीते हैं जी चाय शाहजी की हमरा। तो यार अभी सब दोस्तों को बाय बाय टाटा किया है। मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा सबके साथ। कुछ टाइम हमारे पास है पेपर्स वगैरह का, लेकिन ये मैं कहूँगा कि सब जितने भी मेरे दोस्त थे किसी के लिए भी मेरे दिल में कोई भी बुरी ख्यालात नहीं है। तो सब अगर कोई गलती वगैरह होगी हो तो मुझे माफ़ करना। यूनिवर्सिटी में किसी भी फैकल्टी टीचर से मेम्बर से अगर मैंने उनके साथ कुछ रूड बात की हो तो माफ़ करना, क्योंकि ये लाइफ के ऐसे मराहिल होते हैं जिसमें मतलब भाई मैं नहीं चाहता कि कुछ बुरा साथ लेकर मैं चलूँ। तो इसलिए यही है कि भाई जो भी था लाइफ अच्छी गुजरी है। मतलब एक जैसे आपकी फैमिली होती है ना, घर होता है, इसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी होती है भाई, फैमिली की तरह होती है। और मतलब जैसे फैमिली को आप टाइम देते हो उसी तरह आप यूनिवर्सिटी को भी टाइम देते हो। तो बहुत मतलब कि भाई मैं बयान नहीं कर सकता इतना अच्छा गुजरा। और मुझे जो अवार्ड दिया गया है, टाइटल दिया गया है, वो बिल्कुल गलत दिया गया है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, 420 का मुझे टारगेट दिया टाइटल दिया गया है। असल जो मेरा टाइटल बनता था वो कंटेंट क्रिएटिंग का बनता था। मैं राउंड अबाउट पिछले 4 सालों से मैंने इतना कंटेंट बनाया फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के लिए, इतना मैंने किसी के लिए भी नहीं बनाया। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं है जिसने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, पूरे पाकिस्तान में। और इस बात का दावा भी मैं कर सकता हूँ यहाँ तक। आज के बाद कोई बनाया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये तुम्हारे भाई ने बनाया, ये भाई पूरे भाई आप सर्च कर लो, इतनी वीडियोस किसी की भी नहीं होंगी। सैकड़ों वीडियोस बनाई हैं, राउंड अबाउट 500 से 600 वीडियो मैंने बनाई है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी पे। बाकी सैड नहीं हूँ मैं, टाइटल दिया। थैंक यू सो मच उन सर का जिन्होंने भी हमारा ख्याल रखा, इज्जत की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर हमेशा सिखाई, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।